They say that the road has answers to everything. तेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं। Take that road trip. हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के इस वक्त 10 बज रहे हैं और मैं औरंगाबाद के अपने MTDC रिजॉर्ट से निकल चुका हूँ, फुली लोडेड बाइक, फुली गियर्ड अप होके नासिक के लिए। नासिक की डिस्टेंस अराउंड 186 किलोमीटर्स थी मेरे होटल से औरंगाबाद में, और इसके लिए मैंने पकड़ा था नागपुर मुंबई नासिक हाईवे। और बिल्कुल ही स्ट्रेट रोड है, ज़्यादा कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, ज़्यादा कोई घाट सेक्शंस भी नहीं है। थोड़े बहुत हो सकता है आपको बीच में टेरेंस मिले, बट मोस्टली इट्स अ स्ट्रेट ऑफ हाईवे। स्टार्टिंग में थोड़ी नैरो है, बट मोस्टली उसके बाद स्ट्रेट है, जो कि खेतों के बीच से और शहरों और गाँव के होते हुए जाएगी रोड। इट्स प्रिटी गुड, प्रिटी ऑसम। और आज मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना था। आज की मेरी आइटनरी यही थी कि मुझे होटल पहुंचना है, रिलैक्स करना है, और उसके बाद अपन को जाना है महादेव के दर्शन करने, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वो मेरे होटल से ऑलमोस्ट अराउंड 28-30 किलोमीटर्स पे था, जो कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेने के बाद इट वॉज नथिंग। और जब प्रश्न हो महादेव के दर्शन के, तो कोई भी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा नहीं हो सकती। तो बस रोड्स अच्छी थी, स्ट्रेट थी, रिलैक्सिंग थी, और अब मैं काइंड ऑफ अपने वेस्टर्न ओडिसी की सेकेंड लेग में पहुंच चुका था, क्योंकि अब महाराष्ट्र जो है उसका ऑलमोस्ट हमने आइटनरी 50% से ज्यादा कवर कर ली थी। और इस वक्त मैं नासिक जा रहा हूँ, और उसके बाद वहाँ से फिर मुंबई, और मुंबई से फिर गोवा। तो महाराष्ट्र में अब दो स्टॉप्स और बचे थे मेरे, एक नासिक और उसके बाद एक मुंबई। सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग जर्नी। स्टॉप बाय फॉर अ शुगर केन जूस, फॉर अ ब्रेक लिया, एंड दिस इज आल्सो नाइस। आपको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, इट वॉज क्वाइट हॉट, so I decided to take a break and two glass sugar cane juice really helped. खैर इसके बाद I again started, और फिर से national highway start हो चुका था, जिसके lanes अच्छे थे, but again बीच बीच में कहीं कहीं पर constructions के काम चल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो उसके लिए I had to take some diversions, और two way होने के साथ साथ कहीं कहीं single lane road भी convert हो जा रही थी। But that's okay, that's part and parcel. India's growing, India's building. So, that's okay. But feeling is nice. Day was pretty chill. Suraj apne peak pe the. Aur garmi Maharashtra ki aap jante hi ho. Jab April mein ye haal hai, to Mai June mein kya hone wala? But yeah, we are quite used to it. एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। और इतना ट्रैवल करने के बाद आपको एक आइडिया मिल ही जाता है कि अपने आप को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, बाइक को कैसे मैनेज करना है। और फाइनली मैं नासिक में एंटर हो चुका था, और एक अपडेट, मैंने इनिशियली MTDC का त्र्यंबकेश्वर वाला रिजॉर्ट बुक किया था, बट देन आई सॉ दैट रिव्यूज वर नॉट दैट ग्रेट, सो इसलिए आई डिसाइडेड टू स्टे इन नासिक एंड देन गो टू त्र्यंबकेश्वर फ्रॉम नासिक होटल इटसेल्फ। सो आई बुक्ड अ जिंजर नासिक, इट्स क्वाइट डिसेंट, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है आपको, बट देन इट वॉज क्वाइट गुड एनफ एंड आई एंजॉयड माई स्टे देयर। रूम वॉज प्रिटी क्लीन, फैसिलिटी वर गुड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा बाइक जो है दैट वॉज सेफ।
because we had a covered parking here. और इसके बाद अपना अगला स्टेप था होटल पहुंच के चेक इन करना है, फ्रेश होना है और त्रिम्बकेश्वर के लिए निकल जाना है। तो मैं आपसे मिलता हूं अब त्रिम्बकेश्वर में। हर हर महादेव। ये त्रिम्बकेश्वर है, त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और उसके आसपास में आप देख ही सकते हो काफी सारे मार्केट्स हैं और ये मंदिर के अराउंड का एरिया है। फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर कि आप मंदिर के अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते हो, आप मंदिर के अंदर चप्पल या फुटवेयर लेके नहीं जा सकते हो, और अगर आपके पास हेलमेट है या बैग है तो आई वुड सजेस्ट कि शायद आप वो भी मत ही ले जाओ, तो आपके लिए बेटर होगा। आपके टेंपल के आसपास में बहुत सारे अच्छे अच्छे दुकान्स और स्टॉल्स मिल जाएंगे जो कुछ पैसे लेके आपके सामान को डिपॉजिट कर लेंगे एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, आप दर्शन करके उसे वापस कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फूल वगैरह चढ़ाना है देन यू कैन गेट दैट फ्रॉम इन एंड अराउंड द टेंपल। अगर आपको टीका वगैरह लगवाना है सो फॉर दैट ऑल्सो पीपल आर इन एंड अराउंड द टेंपल, सो यू कैन डू दैट। And don't forget to try the pav bhaji. It's amazing. Hello दोस्तों, क्या हाल चाल? तो आज का दिन बहुत ही कमाल का दिन था। मैं अभी अभी जस्ट त्रिम्बकेश्वर टेम्पल से वापस आया हूँ और अभी अपने होटल में आराम कर रहा हूँ। मैंने जिंजर पुणे बुक किया था तो यार मैं वहीं पर रुका हुआ। मैं आपको जैसे एक छोटा सा रूम टूर देना चाहता था, सो लेट्स बिगिन विद दैट। ये मेन डोर है, यहाँ से हमारा एंट्रेंस हुआ था। आप घुसोगे तो यहाँ पे आप की कार्ड इंसर्ट करोगे, उससे पावर आएगी। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, ये वॉशरूम है, इधर से मैं खोलता हूँ। डिसेंट है ना, यहाँ पे एक बेसन है हैंड वॉश के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ शैम्पू कंडीशनर का है, शावर के लिए सेपरेट चैम्बर है, हॉट एंड कोल्ड वाटर यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद अगर बात करें तो इधर आप जाओगे तो इधर आपकी यूरोपियन स्टाइल बाथरूम है, प्लस इधर ऊपर में टॉवल वगैरह रखने के लिए ट्रॉली दी गई है। ये डिसेंट है बाथरूम, गुड इनफ फॉर वन पर्सन आई गेस। रूम इज ऑल्सो स्मॉल एंड कोजी, सो आई गेस एक इंसान के लिए ठीक है। यहाँ पे मेरे सैडल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको केटल मिल जाती है, साथ में कुछ टी कॉफ़ी वगैरह अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। यहाँ पे अंदर में बॉटल आप रख सकते हो या कुछ और रखना हो, छोटा सा एक मिनी फ्रिज है। ये एक वार्डरोब है जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ जनरली, बट अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ये टीवी है यहाँ पर, ये टीवी है यहाँ पर, और अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, सीएसके और आरसीबी का, मैं वही देख रहा था। यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े डाल दिए अपने धो के सूखने के लिए। यहाँ पर एयर कंडीशनिंग है, ये सब सामान बिखरा हुआ है। इधर एक टेबल चेयर है जो कि अभी सामान से भरा हुआ है पूरी तरह से। यहाँ फ़ोन है, आप कुछ भी ऑर्डर करना और रिसेप्शन पर रिपोर्ट करना, और ये नॉर्मल सा बेड है, यहाँ डेटा ट्रांसफ़र का काम कर रही है। So yeah guys, that was the room too. I hope you liked it. Small but cozy room. और hopefully आपको मज़ा आ रहा है। तो आज का ये नासिक का जो ब्लॉग का पार्ट टू है मैं यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद कल सुबह मैं ट्रैवल करने वाला हूँ टू मुंबई, अपने सपनों की नगरी मुंबई। तो वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी पहुँच पाऊँ दिन में, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूम पाऊँ, और फिर उसके बाद एक दिन और मेरे पास होगा वहाँ पे घूमने। तो जो जो एक्सप्लोरेशन होगा वो तो आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा। सो आप जस्ट कीप वॉचिंग द व्लॉग एंड कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, और आपका सपोर्ट मैटर करता है। इसलिए जब अगर आपको वीडियो कोई भी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देगा। सो या लेट्स गो, मुंबई व्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।
बढ़िया बस तू बता कैसा। बस बढ़िया यार, पूरा बाइक से राइड कर रहा है।